सो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में हैं और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस टॉपिक पर एक माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाइए, तैयार कीजिए। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे? आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि दिए गए टॉपिक पर किस तरह से माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार करना है, क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, क्या टिप्स और ट्रिक्स इसके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। मैं श्योर हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से ये लेक्चर देखते हैं, समझते हैं, तो आज के बाद दिए गए टॉपिक पर आप किसी भी तरह का माइंड मैपिंग का फ्रेम बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया है कम्युनिकेशन, इतना तो हम समझ गए हैं कि कम्युनिकेशन पर हम लोगों ने एक माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाना है। तो इस टॉपिक को, कम्युनिकेशन को, हम पेज के सेंटर में लिखते हैं। मान लो ये आपकी आंसर शीट है और यहाँ कहीं पर आप लोगों का सेंटर रहता है, तो हम लोग लिखते हैं कम्युनिकेशन। ओके, अब इसे एक रेक्टेंगल में रखते हैं हम लोग। एक बढ़िया सा रेक्टेंगल बनाना है इसके आसपास। ये हो गया आपका मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया, ठीक है। एक बात और, जब आप रेक्टेंगल बनाओ तो उसके जो कॉर्नर्स है उसे थोड़े से कर्व कर देना, थोड़े सर्कुलर या राउंडेड कर देना, थोड़ा ठीक लगता है, वो अच्छा लगता है। ओके, अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके जहन में जो कुछ है, आपके माइंड में है कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, रिटन हो सकता है या वर्बल हो सकता है, तो इसे आप लोग दो अलग अलग रेक्टेंगल में लिखेंगे। मान लीजिए आप मानते हैं कि कम्युनिकेशन रिटन हो सकता है, तो उसे यहाँ पर डालते हैं कि कम्युनिकेशन रिटन हो सकता है, और इसे एक रेक्टेंगल में हम लोग रख देते हैं। ओके, आप ये भी मानते हैं कि कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। रिटन मतलब लिखा हुआ और वर्बल मतलब कहा हुआ। ओके, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल में डाल देते हैं। ये जो है, ये वाला रेक्टेंगल, ये ब्रांच हो गई सेंट्रल आइडिया की, ये वाला रेक्टेंगल भी ब्रांच हो गई सेंट्रल आइडिया की। अगर आगे आप लोग रिटर्न से रिलेटेड लिखते हैं तो यहाँ से एरोज आएंगे, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे ट्विग्स। अगर वर्बल के बारे में आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पर एरोज आएंगे और उन्हें हम लोग कहेंगे ट्विग्स या सब ब्रांचेस, ठीक है। फिर एक बार कहता हूँ, यहाँ पर सेंटर में सेंट्रल आइडिया होगा, टाइटल होगा, टॉपिक होगा, ओके, और टॉपिक से जुड़े हुए आपके ब्रांचेस रहेंगे, लेकिन ब्रांचेस से जो चीज़ जुड़ी होती है उसे आप सब ब्रांचेस कहते हैं या उसे ट्विक्स कहते हैं, ठीक है। टॉपिक, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। तो रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं कि रिटर्न में हम लोग ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे यहाँ डाल देते हैं हम लोग कि भैया रिटर्न ऑनलाइन हो सकता है, आप ऑनलाइन किसी को कोई चीज़ लिखकर सेंड कर रहे हैं। ओके, अब ऑनलाइन में कितनी टाइप का हो सकता है, आप किसी को ईमेल भेज सकते हो, तो उसे यहाँ डालते हैं हम लोग। आप ऑनलाइन में किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो, उसे यहाँ पर डालते हैं हम लोग। ओके, आप ऑनलाइन में किसी को ट्विटर पर ट्वीट के थ्रू कोई मैसेज सेंड कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन में हो सकता है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ कहें, तो हम क्या करते हैं, टेलीग्राम को इधर डाल देते हैं। ओके, याद रखो टेलीग्राम कम्युनिकेशन से जुड़ा नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की ब्रांच नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन रिटर्न हो सकता है, रिटर्न में ऑनलाइन हो सकता है और ऑनलाइन में टेलीग्राम है। और एक चीज़ है, इंस्टाग्राम पर आप किसी को कोई मैसेज भेज सकते हो, तो उसे हम लोग यहाँ डालते हैं। ध्यान ये देना है कि जो खाली जगह है उसे आपने सही से यूज़ करना है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से हम लोग एम्प्टी स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, एरोस को किधर फोल्ड करना है ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस था तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले एरो को इधर फोल्ड किया, यहाँ पर हम लोग डालते हैं इंस्टाग्राम।
रखे। तो रिटर्न में ऑनलाइन ये हो गया, अब हम लोग रिटर्न में ऑफलाइन भी तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे ऊपर बताते हैं हम लोग इस साइड में कहीं कि भैया हम रिटर्न में ऑफलाइन भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब ऑफलाइन में किस टाइप के मैसेजेस हम लोगों को सेंड कर सकते हैं, या ऑफलाइन में जो हमारा कम्युनिकेशन होगा रिटर्न कम्युनिकेशन वो किस टाइप का होगा? लेटर्स लिखे जा सकते हैं अलग अलग लोगों को, तो उसे हम लोग यहाँ पर डालते हैं कहीं। ओके, लेटर्स के अलावा इसेज हैं, ये भी ऑफलाइन की कैटेगरी में आना चाहिए, इसे हम लोग यहाँ डालते हैं। ओके, ऑफलाइन में किस तरह से हम लोग और लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? ट्रेडिशनल बुक्स है ना, हमेशा से जो किताबें चली आ रही हैं, यहाँ डालते हैं उसे हम लोग। ये हो गया ट्रेडिशनल बुक्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? मैगजीन्स हो सकते हैं, तो मैगजीन को यहाँ पर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा था एम्प्टी स्पेस को यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ मैगजीन लेते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक एरो बनाकर उसे हाईलाइट कर देते हैं। ओके, हम लोग लिखते हैं मैगजीन्स। ओके, अब ऑफलाइन में और क्या होता है? देखिए मैगजीन्स हैं, इससे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं थॉट्स जो है। तो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, इसेज हैं, लेटर्स हैं, आप न्यूज़पेपर डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बराबर है, हम लोग लिख सकते हैं न्यूज़पेपर, तो उसे हम लोग इधर मेंशन करते हैं। ओके, अब ये देखिए कम्युनिकेशन का रिटर्न एक टाइप हो गया, रिटर्न में ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता, और ऑफलाइन के अंदर जो टाइप्स हैं, लेटर्स हैं, इसेज हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर आना चाहिए, इसे कट कर देते हैं हम लोग, एक्चुअली ये नहीं है कुछ। न्यूज़पेपर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर ऑफलाइन की एक टाइप हो गई। ठीक है, अब न्यूज़पेपर कैसा हो सकता है? डेली आ सकता है या वीकली आ सकता है, तो उसे यहाँ बता देते हैं हम लोग। DAILY डेली, यानी हर रोज़ जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो, और न्यूज़पेपर हो सकते हैं वीकली, यानी वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार। ओके, तो उसे हम लोग यहाँ पर मेंशन किए देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन रिटर्न वाला हो गया। हम लोग देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जो हम लोगों को बोलते हैं, वो किस टाइप का हो सकता है? या तो हम इन पर्सन लोगों को बोल सकते हैं आमने सामने, ठीक है, जो पुराने ज़माने में चलते रहता था, अभी भी चलता है। और इन पर्सन के अलावा हम लोग आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन करने लगे हैं। ठीक है, जो लोग हमारे आमने सामने नहीं भी हैं उनसे हम लोग बात कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से, डिजिटल मीडियम से। ओके, तो कम्युनिकेशन वर्बल है, या तो डिजिटल होगा या इन पर्सन होगा। इन पर्सन हुआ तो आप ऑडियो कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप बंदे को देख नहीं रहे हो, सिर्फ उससे बातचीत शुरू है। ठीक है, मान लो आप कहीं बाजू साइड में हो, छुपे हुए हो, वो सिर्फ आपको सुन पा रहा है। इन पर्सन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो विजुअल हो सकता है, ठीक है, और ऑडियो विजुअल हो सकता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल को हम लोग इस साइड में रख देते हैं। इसे एक रेक्टेंगल में हम लोग बंद किए देते हैं। ओके, अब अगर आप किसी से डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या मीन्स है आपके पास में, किस तरह से आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वाला देते हैं जूम। जूम जो मीटिंग्स होती हैं वो बंदा इन पर्सन आपके सामने नहीं है बल्कि डिजिटल माध्यम से आपके सामने है। ओके, आप लोग टीवी पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या
टीवी के अलावा हम लोग लिख सकते हैं वीडियो कॉलिंग, क्लियर है। उसे हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं कि भाई वीडियो कॉल से भी हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट तैयार है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप लोग डिजिटल करना है तो और एक प्लेटफॉर्म है स्काइप, उसे यहाँ पर मेंशन किए देते हैं हम लोग, SKYPE। अगर आप लोग इस पे एक नज़र डालते हैं तो ये पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और कम्प्लीटली फिल्ड अप है, ये भर गया है पूरा, कहीं कोई ख़ास एम्प्टी स्पेस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन अगर वर्बल है और डिजिटल है तो जूम से हो सकता है, टीवी से हो सकता है, वीडियो कॉल से हो सकता है, स्काइप से हो सकता है। और एक ऑप्शन यहाँ पर क्या आ सकती है, मैं उसे एम्प्टी छोड़े देता हूँ और आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आप लोगों ने एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये आप लोगों के कमेंट के लिए मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ। और एग्ज़ाम में आप लोगों को यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखना होगा, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये था जेफी जावेद्स इंग्लिश फॉर यू। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।